वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 95वें ऑस्कर को भारत के सॉन्ग ने पहली बार जीत लिया है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत के किसी सॉन्ग ने ऑस्कर को फाइनली जीत ही लिया है। और ये इंतज़ार हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पिछले कई सालों से कर रही थी। सो फाइनली दोस्तों वो दिन आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू ने फाइनली ऑस्कर को जीत लिया है। इसके अलावा भारत की शॉर्ट फिल्म यानी कि द एलिफेंट विस्पी फिल्म ने भी ऑस्कर जीता है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पीरर ने भी ऑस्कर को जीता है। मतलब कि भारत में दो दो खुशियां आई हैं, क्योंकि नाटू नाटू सॉन्ग जिसने ऑस्कर जीता है, इसके अलावा द एलिफेंट विस्पीरर शॉर्ट फिल्म जिसने ऑस्कर जीता है। मतलब कि हमारे भारत ने इस बार दो ऑस्कर जीते हैं, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और ये पीएम मोदी ने फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये एक इतिहास की तरह रचा होने वाला है। इसके अलावा बॉलीवुड के दो मेगा स्टार यानी कि ग्रेगोर ऋतिक रोशन और मास महाराजा अजय देवगन, इन दोनों ने भी ट्रिपल आर और द एलिफेंट विस्पीरर फिल्म की टीम को ढेर सारी बधाइयां दी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन और अजय देवगन ने इन दोनों फिल्मों की टीम को ढेर सारी बधाइयां दी हैं और साबित कर दिया है कि ये दोनों बॉलीवुड के रियल सुपरस्टार हैं, क्योंकि ये दोनों ही इंडियन सिनेमा को हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं। और आज एक बार फिर से इन दोनों ने अपने दिल को बड़ा किया और फिर से साबित कर दिया कि ये इंडियन सिनेमा को हमेशा ही सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसे कई सारे स्टार हैं जो कि इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करती हैं। बट दोस्तों, बात करें बड़े सुपरस्टार्स के बारे में, तो बड़े सुपरस्टार्स में सिर्फ ये दो ही हैं जो कि इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों, ट्रिपल आर और द एलिफेंट विस्पीरर फिल्म को सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। वैसा दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि हमारे इंडियन सिनेमा के किसी सॉन्ग ने ऑस्कर जीता है। इसके अलावा किसी शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर जीता है, पहली बार हुआ है। अब तक इंडिया में किसी भी फिल्म या गाना या शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर नहीं जीता, लेकिन इस बार दो दो ऑस्कर आ चुके हैं। और इस बात की अजय देवगन और ऋतिक रोशन को काफ़ी ज़्यादा खुशी है। वैसे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऋतिक रोशन और अजय देवगन की आने वाली सभी फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट मिलती है।